गुड इवनिंग गाइस। अनिश्मिता, कैन यू टेल मी, मैं कैमरा पे दिखाई दे रहा हूँ क्या? नो सर, आपको दिखाई नहीं दे रही है, दे रहा है। पता नहीं यार, आई डोंट नो, मेरे कैमरा को कुछ हुआ आई गेस। जस्ट वन सेकंड, मैं एक बार ठीक करता हूँ। आई डोंट नो, मतलब कैमरा ऑन है बट काम नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, कोई नहीं, चलो आई शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? यस, द स्क्रीन इज विजिबल। ओके ठीक है, बहुत कम लोग आए, एक्चुअली दो ही लोग आए अभी तक, बट ठीक है, चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। बाकी लोग वीडियो पे देख लेंगे। सो या गाइस, हम लोग आज बनाने वाले हैं एक फेस मास्क डिटेक्टर, और there is no need to explain कि इस प्रोजेक्ट का क्या काम हो सकता है, राइट? मतलब आज की वर्ल्ड में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप इसको किसी तरीके से एक छोटे आईपी कैमरा पे अगर पोर्ट कर पाओ इस सॉफ्टवेयर को, तो बैंकिंग वगैरह में बहुत यूजफुल है, लाइक ऑफिस सिनेरियोज में ये प्रोजेक्ट बहुत यूजफुल है कि गेट पे आप लगा दो और जैसे ही कोई आ रहा है विदाउट मास्क, तो आप एक अलार्म सॉर्ट ऑफ बजा दो कि बंदे ने नहीं पहना है, या कुछ भी एक नोटिफिकेशन टाइप सेंड कर दो गार्ड को। मतलब यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस प्रोजेक्ट, राइट? तो उसके ऊपर ज्यादा नहीं जा रहे। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टार्टिंग विद द प्रोजेक्ट, ठीक है? नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू गूगल क्रोम फर्स्ट, एंड आई टेल यू कि हम लोग का पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम करने वाला है, लाइक व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है? तो एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट में हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज ट्रेनिंग, ठीक है? ट्रेन करने के प्रोसेस में विल हैव अ डेटा सेट, विल हैव अ डेटा सेट। Just one second. Yeah. So we'll have a data set. और ये data set हम देंगे एक CNN classifier को, ठीक है? हमारे case में this CNN classifier would be VGG16, क्योंकि हमने अभी तक यही पढ़ा है। But future में आप क्या कर सकते हो, जब आप आगे और पढ़ोगे, जैसे next class में हम लोग ResNet पढ़ने वाले हैं या InceptionNet पढ़ने वाले हैं, तो आप इनमें से किसी को भी इसके जगह यूज कर सकते हो। इनफैक्ट एक मोबाइल V2 होता है, मोबाइल नेट V2 होता है, ये बहुत ही लाइट वेट होता है। सो लेट्स से अगर आप रास्पबेरी पाई वगैरह यूज करना चाहते हो और उसमें कैमरा लगा करके आप ये पूरा सेटअप करना चाहते हो, तो वहां पे आप ये यूज करोगे मोबाइल नेट V2, बिकॉज दिस इज वेरी लाइट, दिस इज लाइट, क्योंकि आपको याद होगा VGG16 इज लाइक 500+ MB, ये आपका शायद 20-25 MB में ही काम चल जाता है, और इसका एक्यूरेसी और इसके एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। नॉर्मली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द डेटा सेट्स पे इसका अगर मान लो 72% एक्यूरेसी आ रहा है, तो इसका 70 तक पहुंच ही जाता है। तो मोबाइल नेट V2 इज अ वेरी फेमस CNN आर्किटेक्चर, तो हम ये पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे।
बट सिंस अभी हमने सिर्फ VGG 16 के साथ काम किया है, हम आज की क्लास में भी VGG 16 ही यूज करेंगे, ठीक है? तो स्टेप वन में क्या होगा, आप अपने डेटा सेट के ऊपर VGG 16 मॉडल को ट्रेन करोगे। मैंने आज ट्रेन किया था तो आई वॉज गेटिंग अराउंड 96% का एक्यूरेसी, सो अपेरेंटली ये बहुत डिफिकल्ट इमेज प्रोसेसिंग प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है इजी। मतलब दो फेसेस है, एक पे मास्क लगा हुआ है, एक पे मास्क नहीं लगा हुआ है, अपेरेंटली इनको लाइक क्लासिफाई कर पाना इज अ इजी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने फिर और कुछ प्रोजेक्ट्स किए जैसे कि इमोशन डिटेक्शन। मतलब इमोशन डिटेक्शन मतलब हैप्पी, सैड, फियर, इस तरह के इमोशंस वाले डेटा सेट के ऊपर जब मैं काम कर रहा था तो आई वॉज नॉट एबल टू गेट एन एक्यूरेसी ऑफ ग्रेटर देन 70%, 70% भी नहीं पहुंच रहा था यूजिंग बीजीजी। तो आई कैन सेफली से कि ये जो प्रॉब्लम है मास्क वाला, ये थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम है इन कंपैरिजन टू इमोशन डिटेक्टर, ठीक है? ये भी मैं आपको बताऊंगा इमोशन डिटेक्टर वाला, बट फॉर नाउ दिस इज द प्लान। हम लोग डेटा सेट को VGG 16 पे ट्रेन करेंगे, मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे, विल एक्सपोर्ट द मॉडल, और ऑब्वियसली हम ट्रांसफर लर्निंग यूज कर रहे हैं, मतलब हम लास्ट वाला लेयर को रिमूव कर देंगे, लास्ट लेयर को रिमूव करेंगे और उसके बदले हमारा लेयर लगाएंगे। और लास्टली हम क्या करेंगे, हम कैमरा से इनपुट लेंगे, वेबकैम से इनपुट लेंगे और वो हम इस मॉडल में डालेंगे और फिर वापस जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हम लोग लाइक लिख देंगे कि मास्क है या नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज फेस डिटेक्शन। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। सो होगा क्या कि रियल टाइम में आपका लाइक फेस के ऊपर एक ऐसा रेक्टेंगल आएगा, आप मूव करोगे तो ये रेक्टेंगल आपके फेस के साथ मूव करेगा, ठीक है? ये मैं क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग से ये पूरा आइडिया डिराइव किया, ये ब्लॉग है, डेटा सेट भी मुझे यहीं से मिला। तो इस ब्लॉग में इन लोगों ने बोल रखा है, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर ऐसा होता है कि नहीं होता है, इन लोगों ने बोल रखा है कि ये फेस डिटेक्शन करने से क्या होता है, जैसे ये पूरा इमेज है, आई विल टेल यू, ये पूरा इमेज है, जस्ट वन सेकेंड। सो लेट्स से ये पूरा इमेज है, दिस इज द एंटायर इमेज, और इतने में आपका फेस आ रहा है, राइट? तो ये इस ब्लॉग वालों ने क्या कर रखा है कि इन लोगों ने फेस डिटेक्शन किया पहले तो, और फिर इतना इमेज क्रॉप कर दिया, ठीक है? इतना इमेज क्रॉप कर दिया, मतलब जो नया इमेज है उसमें सिर्फ फेस दिखाई दे रहा है। तो somehow they are saying, I don't know, I'm not sure, कि ऐसा करने से आपका परफॉर्मेंस लाइक आपके मॉडल का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, लाइक इम्प्रूव्स, परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स, क्योंकि उसके पास बाकी का ये सब नहीं है। तो वो बहुत लाइक फोकस तरीके से इस फेस के ऊपर फोकस करके पता कर सकता है कि मास्क है या नहीं है, ठीक है? तो हम करेंगे फेस डिटेक्शन करेंगे, फेस डिटेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। वी आर गोइंग टू यूज दिस हार कास्केड क्लासिफायर, सॉरी हार कास्केड ये होता है, जस्ट वन सेकेंड, इसका नाम क्या होता है, हार कास्केड, आई गेस क्लासिफायर नहीं बोलते इसको, कुछ और बोलते हैं, जो भी है, बट द होल आइडिया इज कि इसको यूज करने से आप फेस डिटेक्शन कर पाओगे, ठीक है? तो ये पूरा वर्क फ्लो रहेगा हमारा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। ये रहा डेटा सेट, डेटा सेट मैंने इसी जगह से डाउनलोड किया है, यहाँ से मैंने डाउनलोड किया, इसके डाउनलोड सेक्शन में, इस ब्लॉग के डाउनलोड सेक्शन में मुझे ये एक डेटा सेट मिला। इस डेटा सेट में आई विल शो यू क्या है, जस्ट वन सेकेंड। So I have मैंने एक फोल्डर बना रखा है ऑलरेडी, फेस मास्क डिटेक्टर, ठीक है? ये मेरा डेटा सेट है और इस डेटा सेट में आई हैव दीज टू फोल्डर्स, ट्रेन एंड टेस्ट, ठीक है? ट्रेन में अगर आप जाते हो तो दो फोल्डर्स हैं, विथ मास्क जिसमें ये सारे इमेजेस है, ठीक है? ये सारे इमेजेस है विथ मास्क, ठीक है? और टेस्ट में अगर आप जाते हो, सॉरी विदाउट मास्क में अगर आप जाते हो तो आपके पास ये नॉर्मल इमेजेस है, ठीक है? अब जिसने भी डेटा सेट क्रिएट किया है उसने क्या किया है कि उसने विथ मास्क वाला जो इमेजेस हैं वो उसने जेनरेट किया है। मतलब कैन यू सी, ये एक्चुअल मास्क नहीं है,
ये आप देख सकते हो, ये क्या हुआ है, फेस उसने जिसने भी ये डेटा सेट एक्यूमुलेट किया उसने लाइक विदाउट मास्क वाले लोगों के ऊपर ये मास्क वाला लाइक एक तरीके से ओवरले करवा दिया। ये तो लग रहा है ओरिजिनल है, बट इसमें कुछ इमेजेस ऐसे हैं, जैसे ये इमेज देखो यहाँ पे लाइक ओवरले कराया गया, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि डेटा सेट क्रिएटेड है, लाइक आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, लाइक ये देखो ये इमेज, ठीक है। तो इसके बारे में इस ब्लॉग में लिखा हुआ है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो कि कैसे आप इस तरह का डेटा सेट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सो ये इमेजेस है, 690 इमेजेस विथ मास्क है, 686 इमेजेस विदाउट मास्क है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हाउ वाज आवर फेस मास्क डेटा सेट क्रिएटेड, ठीक है। तो ये इमेज कैसे बना है, जैसे ये इमेज था, इसको उन लोगों ने लाइक पूरा फेस डिटेक्ट किया वही हार कास्केड क्लासिफायर यूज करके, और उसके बाद उन लोगों ने इसके ऊपर इस इमेज को ओवरले कर दिया, सो काइंड ऑफ ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये डेटा सेट थोड़ा सा लाइक खुद से जनरेटेड है, थोड़ा सा लाइक एक्यूमुलेटेड है, डेटा उठाया गया, ठीक है, बट इट्स ओके, मतलब अच्छा काम करता है, लाइक ये डेटा सेट सच में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अगेन दिस वॉज एन एग्जाम्पल जहां पे आप डेटा सेट क्रिएट कर रहे हो, ऐसा आप फ्यूचर में देखोगे जब आप कैन वगैरह पढ़ोगे तो इस तरह की चीजें आप करोगे, ठीक है। तो मैंने बस आपको बता दिया, और हमारे पास ये टेस्ट डायरेक्टरी भी है जहां पे ये विथ मास्क एंड विदाउट मास्क है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं अभी आज की क्लास में आई एम नॉट गोइंग टू डू डेटा ऑगमेंटेशन। नॉर्मली मैं डेटा ऑगमेंटेशन करता हूँ, और मैंने जब ये प्रोजेक्ट बनाया था आज तो मैंने डेटा ऑगमेंटेशन यूज किया भी था, बट मैं आज नहीं करने वाला हूँ, अभी नहीं करने वाला हूँ। उसका रीजन क्या है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहता हूँ कि विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन एक्यूरेसी कैसा आ रहा है। जैसे डेटा ऑगमेंटेशन करके 97% आ रहा था, मैं एक बार विदाउट ऑगमेंटेशन चेक करना चाहता हूँ। आपको मैं दोनों फाइल्स दे दूंगा, अभी जो बनेगा वो भी दे दूंगा, और विथ डेटा ऑगमेंटेशन जो था वो भी मैं आपको दे दूंगा। और सेकेंड रीजन क्या है कि सुबह जब मैं डेटा ऑगमेंटेशन यूज कर रहा था तो समहाउ मैं अपना मॉडल लाइक डिप्लॉय नहीं कर पा रहा था, लाइक वो लाइक लोड नहीं हो पा रहा था। तो मेरे को लगा कि इट्स मे बी बिकॉज ऑफ डेटा ऑगमेंटेशन वाला कोड। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन सारा कोड करूंगा, ठीक है। सो फॉर नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं ये विदाउट मास्क वाले सारे इमेजेस को कॉपी कर रहा हूँ और ट्रेन में ही डाल दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास 752 आइटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और वापस जा रहा हूँ टेस्ट में और विथ मास्क वालों को कॉपी कर रहा हूँ। मैं बस अपने ट्रेन वाला ही डेटा यूज करने वाला हूँ सिंस, तो मैं उसको बढ़ा रहा हूँ बस, क्योंकि मैं एनीवेज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारूंगा तो उस टाइम पे मुझे लगेगा ये और डेटा। सो यहाँ पे 755 आइटम्स है, ठीक है। तो मेरे पास 755 आइटम्स इसके अंदर है विथ मास्क, और आई हैव 752 आइटम्स विदाउट मास्क, ठीक है। और मैं ट्रेन वाले फोल्डर को यूज करूंगा, टेस्ट को यूज नहीं करूंगा, मैं ट्रेन के अंदर ही एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल। आई फर्स्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां से कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो कोडिंग सिंपल है, सबसे पहले विल इम्पोर्ट ओएस, बिकॉज सारी फाइल्स को हमें लाना है। फिर मैं इम्पोर्ट करूंगा केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग से आई इम्पोर्ट इमेज, क्योंकि ये भी मुझे फ्रॉम केरास इम्पोर्ट इमेज, ठीक है। या अब हम क्या करते हैं, सारे के सारे इमेजेस को रीड करेंगे, ठीक है। और उसके लिए ऑब्वियसली या ठीक है, देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम कैटेगरीज बना देंगे, कैटेगरीज विल बी इक्वल टू मास्क, एक्चुअली पहला वाला इज नो मास्क और दूसरा वाला इज मास्क, ये दो ये हमारी कैटेगरीज बन गई। फिर हम क्या करेंगे, एक्चुअली एक काम करते हैं, जो एग्जैक्ट नाम है वही देते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट नाम है विद अंडरस्कोर मास्क विदाउट अंडरस्कोर मास्क, तो इधर हम नाम दे रहे हैं विद अंडरस्कोर मास्क विदाउट
अंडरस्कोर मास्क, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं फॉर कैटेगरी इन कैटेगरीज, ये लूप दो बार चलेगा। और दोनों बार हम क्या करने वाले हैं, हम जा रहे हैं os डॉट लिस्ट dir में, और कैटेगरी जस्ट वन सेकेंड, हम एक पाथ क्रिएट करते हैं, पाथ विल बी इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन करने का पाथ होगा ट्रेन कॉमा कैटेगरी, ठीक है, और विल प्रिंट आउट द पाथ। सो ये आ रहा है, ठीक है। सो हम ट्रेन के अंदर विथ मास्क और ट्रेन के अंदर विदाउट मास्क, ये मेरा पाथ बन रहा है, ठीक है, ट्रेन के अंदर विथ मास्क एंड विदाउट मास्क, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं हर बार फॉर फाइल इन, फॉर फाइल इन os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम हो जाएगा कैटेगरी, और यहां पे व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली प्रिंट आउट द फाइल नेम, और मैं ब्रेक करके बस देख लूंगा कि सब कुछ सही से आ रहा है कि नहीं। बेसिकली दोनों फोल्डर्स का एक एक फाइल का नाम आना चाहिए। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड पाथ, सॉरी यहाँ पे पाथ आएगा, या ये पहला इमेज है विथ मास्क वाले में, जीरो विथ मास्क, नहीं तो कुछ और ही आ रहा है, अच्छा नहीं लास्ट इमेज आ रहा है क्या, नहीं फर्स्ट इमेज ही तो आ रहा है। फॉर फाइल इन os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी पाथ, इस पाथ में घुसे, फाइल को प्रिंट किया, चलो ठीक है कोई नहीं। एक काम करते हैं, अब रीड करते हैं इमेज को, ठीक है, हम हर फाइल को रीड करेंगे। सो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इमेज पाथ बोल के एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इमेज पाथ विल बी इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे हम पास करेंगे अभी तक का पाथ, अभी तक का पाथ, और उसके आगे हम जोड़ देंगे फाइल को, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ प्रिंट करके आई एम जी पाथ के अंदर क्या है, और फिर मैं ब्रेक कर रहा हूँ। सो ये रहा मेरा पहला फाइल, और ये रहा मेरा दूसरा फाइल, एक विथ मास्क का एक विदाउट मास्क का, अगर मैंने ब्रेक नहीं किया होता तो बहुत बड़ा साइज बन जाता, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को रीड करेंगे, तो रीड कैसे करेंगे, विल यूज ये CV2 भी यूज कर सकते हो, लाइक ओपन CV भी यूज कर सकते हो, और ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। एक काम करते हैं, सिंस आप लोग ओपन CV के साथ कंफर्टेबल हो तो ओपन CV यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स इम्पोर्ट CV2, CV2 में एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है CV2.imread, और यहाँ पे आप पाथ दे दोगे img पाथ, ठीक है, और ये जो इमेज आएगा इसको आप एक इमेज में स्टोर कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इस इमेज को रिसाइज कर रहे हैं, CV2.resize, if I'm correct, resize img, और इसको हम रिसाइज कर रहे हैं टू 224, बिकॉज अपना VGG 16 इसी इमेज साइज में चीजों को लेता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, प्रिंट करा के देख लेते हैं img डॉट शेप क्या है, तो हमने ब्रेक नहीं किया तो सारे इमेजेस का शेप उतना ही आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, ये सब numpy arrays हैं, लाइक ये इमेज इज अ numpy array, तो व्हाट विल डू इज हम लोग क्या किया था, हमें एंड में क्या बनाना है, हमें एंड में एक डेटा सेट बनाना है जिस डेटा सेट के अंदर दो कॉलम्स रहेंगे, एक कॉलम में क्या रहेगा, एक numpy array, बेसिकली इमेज का numpy array, और सेकेंड कॉलम में क्या रहेगा, उसका लेबल, ठीक है। तो व्हाट विल डू इज हम यहाँ पे एक डेटा बोल के
एक एम्प्टी लिस्ट बना रहे हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेटा डॉट अपेंड, और यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर हम पास कर रहे हैं img जो करेंट इमेज है उसका numpy array और कॉमा लेबल, लेबल क्या है उसका, और लेबल कैसे निकलेगा, लेबल विल बी इक्वल टू कैटेगरीज डॉट इंडेक्स कैटेगरी. सो बेसिकली जो करेंट कैटेगरी है उसका इंडेक्स क्या है, जैसे विथ मास्क का जीरो हो जाएगा, विदाउट मास्क का वन हो जाएगा, तो यहाँ पे लेबल में या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा, ठीक है. और ये अपेंड में पूरा का पूरा कर दे रहा हूं इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है. तो आई विल रन दिस कोड एंड लेट्स सी कि क्या आ रहा है. या हो गया, अगर मैं लेंथ ऑफ डेटा निकालू तो आई शुड गेट 1507 बिकॉज मेरे पास टोटल इमेजेस जो है वो है 755 और 752, ठीक है, 755 एंड 752, 51507, ठीक है, वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अब मुझे क्या करना है, मुझे शफल कर देना है डेटा को, बिकॉज पहले सारा विथ मास्क वाला डेटा होगा, फिर सारा विदाउट मास्क वाला डेटा होगा, तो एक बायस डेवलप कर सकता है हमारा मॉडल, तो आप शफल यूज कर सकते हो. तो यू वुड यूज इम्पोर्ट रैंडम और आप लिखोगे रैंडम डॉट शफल और यहाँ पे आप डेटा पास कर दोगे और आपका डेटा शफल हो गया, ठीक है. ये परमानेंट ऑपरेशन है, डेटा शफल हो गया, ये सब हम कर चुके हैं. उसके बाद क्या करना है, शफल करने के बाद हमें x और y को अलग अलग करना है और दोनों को numpy array में कन्वर्ट करना है. सो आई विल राइट फॉर x एंड y इन डेटा, या ऐसे लिख सकते हो आप, एक एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया x और एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया y, और लिखा फॉर फीचर्स कॉमा लेबल इन डेटा x डॉट अपेंड में मैंने कर दिया फीचर्स और y डॉट अपेंड में मैंने कर दिया लेबल, ठीक है. और ये हो गया, ये रहा मेरा x, x का लेंथ और y का लेंथ सेम होगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये रहा x का लेंथ और ये रहा y का लेंथ, अभी तक सब कुछ सेम है, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, numpy को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy as np और फिर हम लिखेंगे x is equal to np dot array और यहाँ पे हम x को ही पास कर देंगे और यहाँ पे हम y is equal to np dot array और अच्छा हमें क्या करना चाहिए था, हमें इसको 2d array बनाना है, इसको 1d array बनाना है ना, बट अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो आई गेस दोनों ही 1d array बन जाएंगे. लेट मी सी x डॉट शेप क्या आ रहा है, नहीं सही आ रहा है, ठीक है, और y डॉट शेप क्या आ रहा है, 1507, ठीक है सही है ये. तो देखो गाइस हमारे पास x में क्या है, वी हैव 1507 इमेजेस ऑफ दिस साइज, ठीक है, और हमारे y में क्या है, वी हैव लेबल्स, ठीक है, मतलब y ऐसा दिखाई दे रहा है, दिस इज y, ठीक है, और x में वी हैव अ numpy array जिसका शेप चार है, मतलब चार डायमेंशनल array है, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस, विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ चैनल्स, ठीक है. तो गाइस यहां तक हमने डेटा प्रिपरेशन कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू इज x को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 255, ठीक है, और इसको रन कर देते हैं और अब हमारा x थोड़ा सा स्केल्ड है, ठीक है, लाइक दिस. अब हम क्या करेंगे, x ट्रेन और y ट्रेन कर देंगे. सो विल राइट फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है, एंड विल राइट x ट्रेन x टेस्ट y ट्रेन y test is equal to train test split and we'll pass our x comma y comma test size
is equal 0.2. हो गया. सो नाउ वी हैव एक्सट्रेन के अंदर वी हैव दिस मच डेटा 1205 एंड एक्सट्रेस में वी हैव 302 इमेजेस. ठीक है, तो या गाइस हो गया इतना. अब हम क्या करेंगे, डेटा हमारा प्रिपेयर्ड है, डेटा रेडी है, और अब हम क्या करेंगे, हमारा सीएनएन एल्गोरिदम लाइक आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो हम लोग ट्रांसफर लर्निंग करने वाले हैं. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वी आर गोइंग टू फर्स्ट राइट फ्रॉम केरास डॉट applications dot VGG16. We are going to import VGG16. ये class import कर रहे हैं. VGG is equal to VGG16. ये बिल्कुल last class का workflow है. Import हो गया. पहली बार import होने में download करता है, but उसके बाद ये downloaded रहता है, तो कम time ले रहा है. हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम लोग VGG.summary देख सकते हो आप कि we have this is the VGG model. ठीक है, हमें क्या करना है, बस ये लास्ट वाले को हटा देना है और अपना मॉड अपना लेयर ऐड कर देना है विथ वन नोड. ठीक है, और आपको पता है कैसे करना है. सो फर्स्ट यू विल राइट फ्रॉम केरास import sequential, then you'll create a model sequential, और फिर आप क्या करोगे, आप लिखोगे for layer in VGG dot layers, और आप last वाला ignore करने के लिए ये code लिखते हो और आप लिखोगे model dot add, और यहाँ पे आप डाल दोगे जो current layer है. ठीक है, और इतना करने के बाद आप जब मॉडल डॉट समरी करोगे तो यू वुड नोटिस कि सब कुछ सेम है, बस वो लास्ट वाला लेयर नहीं है. ठीक है, हमने बस ये लास्ट वाला लेयर हटा दिया और हमने एक नया मॉडल क्रिएट कर लिया. मैंने आपको बताया था कि वीजीजी जो है ये फंक्शनल मॉडल है, हमें सीक्वेंशियल चाहिए, इसलिए हमने ये पूरा वर्कफ्लो यूज किया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे लेयर्स को फ्रीज करेंगे. ठीक है, सो दैट ट्रेन करने पे वो वेट्स अपडेट ना हो. और वो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फॉर लेयर इन मॉडल डॉट लेयर्स, और यहां पे हम लिखेंगे लेयर डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स. ठीक है, सो इस पॉइंट पे यू कैन सी हमारे पास ट्रेनेबल पैरामीटर्स है 134 13 करोड़ या जो भी है, और इसको करने के बाद क्या होगा, वो सब नॉन ट्रेनेबल बन जाएंगे, मतलब ऐसा दिखाई देगा. So you can see, कि अब ट्रेनेबल पैरामीटर्स जीरो है, जितने भी पैरामीटर्स थे अब वो नॉन ट्रेनेबल है, एज इन फ्रीज हो गए, अब आप उसको लाइक अपडेट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारे मॉडल में लास्ट वाला लेयर ऐड करना. सो विल राइट फर्स्ट विल इम्पोर्ट फ्रॉम केरास डॉट लेयर्स, विल इम्पोर्ट डेंस लेयर, and then we'll write model dot add, and we'll add a dense layer with one output node, और यहाँ पे activation हो जाएगा sigmoid. ठीक है, ये सब आपको पता है, हो गया. और अब आप जब model dot summary करोगे तो you would see that you have a dense layer last में, जिसमें वी हैव 4096 ट्रेनेबल पैरामीटर्स, 4096 कमिंग फ्रॉम दिस लास्ट लेयर, और एक इसका खुद का बायस होगा. ठीक है, तो अब हमारे पास इतने नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं और इतने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं जिनको हमको ट्रेन करना है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस. ठीक है, ट्रांसफर लर्निंग में यही होता है. सो या मॉडल को कंपाइल कर लेते हैं, मॉडल डॉट कंपाइल, और यहाँ पे आप ऑप्टिमाइजर में लिख सकते हो एडम. आप चाहो तो लर्निंग रेट घटा सकते हो, हमेशा बोला जाता है ट्रांसफर लर्निंग के टाइम लर्निंग रेट घटा दो, बट इट्स ओके, पहले एक बार चला के देख लो. इफ यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ गुड एक्यूरेसी तो फिर आप छोड़ भी सकते हो, बट अगर आपका एक्यूरेसी थोड़ा कम आ रहा है
तो आप क्या कर सकते हो, लर्निंग रेट को घटा सकते हो 0.0001 करने से सही रहता है, जनरली मैंने देखा है लोग यही यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका लॉस, लॉस वुड बी सिंपल बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आएगा एक्यूरेसी, ठीक है, या ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे मॉडल डॉट फिट, ठीक है, मॉडल डॉट फिट विल पास आर एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, सॉरी वाई ट्रेन विल पास ईपॉक्स इक्वल्स 5 लेते हैं शुरू में, और वैलिडेशन डेटा में लेट्स पास आर एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, ठीक है। बैच साइज को खुद से फिगर आउट करने देते हैं और एक बार इसको ट्रेन करते हैं गाइस, लेट्स सी कैसा एक्यूरेसी आता है विदाउट डेटा ऑग्यूमेंटेशन। मैंने सुबह जब किया था तो मैंने डेटा ऑग्यूमेंटेशन यूज किया था और आई वॉज गेटिंग 97 के अराउंड, अभी देखते हैं कैसा आता है। See, this is the problem. एक बार मैं रन करके छोड़ देता हूँ, उसके बाद हमेशा मेरे को एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करना होता है। See guys, what I'll do is, मैं एक बार इसको बंद कर रहा हूँ, एनाकोंडा को, इसको मैं एक बार बंद कर रहा हूँ। ये कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है मेरे मशीन में, आई डोंट नो व्हाई। हो गया बंद, इसको भी बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ, एंड आई एम स्टार्टिंग एनाकोंडा प्रॉम्प्ट अगेन। Yeah, let's see. Face mask detector. I guess ये वाला था सबसे recent वाला, हाँ यही था, इसको यहाँ पे लिख देते हैं face mask detector session, ठीक है। और unfortunately सब कुछ फिर से run करना पड़ेगा guys. So I'm running it. ये वाला थोड़ा सा टाइम लेगा, शफल किया, एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया, नंबर में कन्वर्ट किया, वैल्यू स्टैंडर्डाइज किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा, VGG 16 इंपोर्ट किया, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ये समरी नहीं कर रहा मैं, सीक्वेंशियल को इंपोर्ट किया, सीक्वेंशियल का ऑब्जेक्ट बनाया, लेयर्स एक्सट्रैक्ट किए, फ्रीज किए, टेंस को इंपोर्ट करके लास्ट लेयर ऐड किया, और उसके बाद मॉडल को कंपाइल किया और अब फिट कर रहे हैं, अभी देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 62-63 ऑलरेडी है, एक बार होने देते हैं गाइस इसको। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, परसेंट पहुंचा पहली बार में, पहले ही पॉइंट में। तो 90s में घुस क्या है,
So yeah, almost उतना ही आया accuracy. 95 आ रहा है हमारे training पे और 96 आ रहा है validation पे as in test data set पे. So कुछ खास फर्क नहीं पड़ा data augmentation नहीं करने पे. वही मेरे को लग रहा था कि data augmentation शायद उतना useful ज़रूरत नहीं है मतलब उतना. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, इस मॉडल को यूज़ करते हैं. ठीक है, मॉडल को यूज़ करते हैं वीडियो में फेस डिटेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो देखो सबसे पहले ब्रेक करते हैं पूरे सेट को. पहले हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग लाते हैं, फिर उसके ऊपर प्रिडिक्शन करते हैं. ठीक है, सो देखो कैसे करेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड राइट cv2.videocapture. वीडियो कैप्चर यहाँ पे आप जीरो दे दोगे अपने वेबकैम के लिए. इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर दो कैप. ठीक है, और फिर आप लिखोगे while true. ठीक है, आप जब तक true है आप cap dot read करोगे, like image read करोगे. आपको दो चीजें मिलेंगी, ret और frame. ये आप कर चुके हो. ret में बस true या false values मिलेंगी, frame में आपको image मिलेगा. और यहाँ पे आप क्या करोगे, हर बार आप cv2.im show करोगे image को. ठीक है, विंडो ले लो एक विंडो बोल के, और फ्रेम को डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, फ्रेम को डिस्प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद ब्रेक करने का एक कंडीशन लिख रहे हैं. इफ cv2.wait की 1 है एंड 0 cross ff इज इक्वल टू ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ x. तो आप ब्रेक कर रहे हो इस लूप से. ये सब हम कर चुके हैं ओपन सीवी में, और बाहर आकर के वी आर जस्ट राइटिंग cv2.destroy all windows. ठीक है, दिस इज द कोड. ये करने के बाद मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि फिर दिखाई नहीं देगा. लेट्स रन दिस कोड, वी शुड गेट अ विंडो. या सो विंडो आ गया. ठीक है, अब देखो गाइस करना क्या है, हमें इस वीडियो के ऊपर हर बार जब ये फ्रेम मिल रहा है मुझे, ये जो फ्रेम मिल रहा है मुझे मुझे इस फ्रेम इज बेसिकली एन इमेज. ठीक है, मुझे क्या करना है, उस इमेज को उठाना है और उसको मेरे मॉडल में डालना है. ठीक है, मॉडल मुझे पलट के बताएगा कि वो क्या डिटेक्ट कर रहा है, मास्क है या नहीं है. ठीक है, मेरे पास एक मास्क है. सो फिर हम क्या करेंगे, उसी चीज को यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, तो कैसे करेंगे ये पूरी चीज, इस पॉइंट पे लाइक इमेज शो करने के जस्ट पहले, यहां पर मैं इस विंडो को बंद कर रहा हूं, यहां पर यू हैव टू कॉल द डिटेक्शन मेथड जो डिटेक्ट करेगा. ठीक है, तो हम एक काम कर रहे हैं, हम यहां पे बना रहे हैं डेफ डिटेक्ट फेस मास्क, हम एक बना रहे हैं. ठीक है, और इसको एक इमेज चाहिए. तो जैसे इसके पास इमेज आएगा, ये क्या करेगा, ये मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेगा. इस इमेज को आपको पहले रीशेप करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप इसको रीशेप करोगे 2 1 comma 2 2 4 comma 2 2 4 comma 3. ठीक है, ये सही इनपुट फॉर्मेट है, आपको इस साइज में देना है और एक इमेज दे रहे हो. ठीक है, ये प्रिडिक्ट करेगा, ये प्रिडिक्ट करके आपको देगा वाइब्रेंट. और यहां पे सिंस आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, आप यहां पे लिख सकते हो प्रिडिक्ट क्लासेस. ठीक है, और आप रिटर्न कर दोगे वाइब्रेंट. ठीक है, ये मेरा फंक्शन है. ठीक है, या एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास कुछ इमेजेस हैं यहां पे सैंपल में. ठीक है, लाइक दिस इज एन इमेज.
मास्क वाला इमेज, ठीक है, 1.jpg। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं cv2.im शो कर रहा हूँ, सॉरी आई एम रीड कर रहा हूँ इस इमेज को, और इस इमेज ये है sample/1.jpg, और इसको मैं एक एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ sample1, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर लिखा कॉल कर रहा हूँ डिटेक्ट फेस मास्क, और मैं सैंपल वन वाला इमेज पास कर रहा हूँ। It says cannot reshape array of size into shape this. तो मैं क्या करना पड़ेगा, इसी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा cv2.resize, और यहीं पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे sample one कॉमा, यहाँ पे हम लिख देंगे 224,224, और उसको वापस सैंपल वन में ही स्टोर कर देंगे, ठीक है। और अब हम सैंपल वन को पास करेंगे और ये जीरो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। जीरो मतलब क्या हुआ, विथ मास्क, क्योंकि हमारा पहले क्या था, हमारा पहले था विथ मास्क, ठीक है। तो विथ मास्क जीरो है, विदाउट मास्क वन है, ठीक है। अब ये वाला इमेज देखते हैं, वन हो गया, टू हो गया, थ्री शायद विदाउट मास्क है, या दिस इज विदाउट मास्क। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.jpg, ठीक है। और इस कोड को दोबारा रन कर रहा हूँ, आउटपुट वन आना चाहिए विदाउट मास्क, नहीं जीरो ही आ रहा है, क्यों आया जीरो, गलती कर रहा है। फोर क्या है, फोर भी विदाउट मास्क है, फोर ट्राई करते हैं, फोर फोर को रीड किया, रीशेप किया, कॉल किया फंक्शन को, सभी जगह पे जीरो आ रहा है, दिस इज वियर्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट या ठीक है, मैं आपको ये वर्कफ्लो दिखा रहा था, वीडियो में टेस्ट हो जाएगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, बस ये इमेज को बस रिसाइज करके इस फंक्शन को कॉल कर देना है, और ये आपको जीरो या वन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट इसका जीरो का जीरो रिटर्न करते हैं, उससे क्या होगा, सिर्फ जीरो या वन आएगा, ठीक है, लाइक दिस, सिर्फ जीरो या वन आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम फ्रेम को रिसाइज करेंगे, सो विल राइट cv2 डॉट रीसाइज फ्रेम कॉमा 224,224, ठीक है। और रिसाइज हुआ, उसके बाद विल राइट वाइब्रेट इज इक्वल टू डिटेक्ट फेस मास्क, फ्रेम को कॉल करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट करेंगे वॉट एवर इज इनसाइड प्रिंट, ठीक है। दिस इज द फ्लो, एक बार चलो टेस्ट करते हैं पूरे कोड को, ठीक है। सो मेरे पास कॉन्स्टेंटली इमेजेस आ रहे हैं वीडियो से, और मैं उसको रिसाइज कर रहा हूँ, रिसाइज करके मैं उस फंक्शन में भेज रहा हूँ, फंक्शन मुझे डिटेक्ट करके वाइब्रेट भेज रहा है, वाइब्रेट में जीरो का मतलब मास्क पहना है, वन का मतलब मास्क नहीं पहना है, ठीक है। और फिर हम उसको प्रिंट करते जा रहे हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं कैसा आ रहा है ये। हाँ देखो कॉन्स्टेंटली वन आ रहा है, कॉन्स्टेंटली वन आ रहा है, वन का मतलब मास्क नहीं पहना है, ठीक है। अब मैं मास्क पहन रहा हूँ, सो मास्क पहन लिया मैंने, और ये देखो अब जीरो आने लग गया, ठीक है। तो यू कैन सी ये काम कर रहा है, जस्ट वन सेकेंड, या अभी जीरो है, और अब मैं यहाँ से हटा दूंगा तो अब वन आने लग जाएगा, ठीक है, तो इट्स वर्किंग, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं एक बार ये कैमरा बंद कर रहा हूँ। वन मोर थिंग, ये फ्रेम को रिसाइज नहीं करते हैं, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं इमेज, और यहाँ पे इमेज को भेजते हैं, उससे क्या होगा, वीडियो नॉर्मल जितना बड़ा ही आएगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, वीडियो इतना ही बड़ा आएगा बट आउटपुट सही आने लग जाएगा, ठीक है। तो या अब हमें क्या करना है गाइस, नेक्स्ट
हमें एक कोड लिखना है। उस कोड से क्या होगा कि आपका स्क्रीन पे लाइक वीडियो के ऊपर दिखने लग जाएगा कि मास्क पहना है या नहीं पहना है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, तो वो फंक्शन हम लोग जल्दी से बनाते हैं। सिंपल सा फंक्शन है, बेसिकली आपको वीडियो के ऊपर राइट करना है, लाइक टेक्स्ट राइट करना है, ये हम कर चुके हैं पहले। तो कैसे करोगे आप ये, देखो एक फंक्शन बना रहे हैं हम लोग ड्रॉ लेबल बोल के, ठीक है, ड्रॉ लेबल बोल के एक फंक्शन बना रहे हैं। सो नीचे आते हैं थोड़ा सा, एंड लेट्स क्रिएट अ फंक्शन बाय द नेम ऑफ ड्रॉ अंडरस्कोर लेबल, ठीक है। इसको चार चीजें चाहिए होंगी, इमेज जिसके ऊपर वो लिखेगा, टेक्स्ट क्या लिखना है, पोजिशन कहाँ लिखना है, और बीजी कलर एज इन कौन से कलर में लिखना है, ये चार चीजें होंगी, ठीक है। और यहां पे हम क्या करेंगे, विल सिंपली राइट टेक्स्ट साइज, ये हम फेच करेंगे यूजिंग दिस CV2 फंक्शन जिसका नाम है गेट टेक्स्ट साइज होता है शायद, हाँ गेट टेक्स्ट साइज, ठीक है। इसको हम पास करेंगे सबसे पहले कि क्या टेक्स्ट है, सो टेक्स्ट जो हमें मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड फॉन्ट फेस कौन सा यूज करना है, लाइक कौन सा फॉन्ट यूज करना है, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक होता है फॉन्ट हर्शली कॉम्प्लेक्स, या सिंप्लेक्स यूज कर सकते हो, ये वाला यूज कर लो, अलग अलग फॉन्ट्स है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद फॉन्ट का स्केल कितना होगा, लाइक कितना बड़ा दिखाई देगा, तो 0.8 कर सकते हो या 1 कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद थिकनेस बतानी है आपको, तो थिकनेस में आप सिंपली लिख दो CV2.filled, वो ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा, ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट साइज। उसके बाद हमें निकालना है कि कहां कहां तक ये चीज डिस्प्ले होगी, तो हम लिखेंगे एंड अंडरस्कोर एक्स। इस कोड पे ज्यादा फोकस मत करो, पोजीशन जो अपना वहां से भेजा गया है उसके जीरो से स्टार्ट करेंगे, और कहां तक जाएंगे, जो अपना टेक्स्ट साइज है जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया उसका जीरो से जीरो तक जाएंगे, ठीक है। और प्लस कुछ मार्जिन ऐड कर देते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा टेक्स्ट बैकग्राउंड पूरा कवर कर लेगा, मार्जिन 2 का ले सकते हो, ठीक है। और सेम चीज आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे फॉर वाई वाला चीज, सो दिस विल बी एंड वाई, ठीक है। और यहाँ पे पोजिशन 1 वाला आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 वाला आ जाएगा, और ये मार्जिन आप माइनस कर दो, ठीक है। ये ज्योमेट्री आप छोड़ दो, मतलब इसका टेंशन मत लो, ये कोड आप थोड़ा सा फिगर आउट करोगे समझ में आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है जो बैकग्राउंड में दिखाई देगा। रेक्टेंगल में आप इमेज कौन से इमेज के ऊपर डिस्प्ले करना है, रेक्टेंगल कौन से पोजिशन पे डिस्प्ले करना है, कहां से कहां तक लाइक जाएगा, लाइक उसका डायगनली अपोजिट एंड क्या है, वो हो जाएगा एंड अंडरस्कोर एक्स और एंड अंडरस्कोर वाई। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर क्या होगा रेक्टेंगल का, वो हमें ऊपर से मिल रहा है जो भी आप बताओगे। और उसके बाद जो भी थिकनेस है, थिकनेस दे दो फिर से CV2.filled ही सही है, वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लेगा। फिर हम लिखेंगे CV2.putText, ये टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे कौन से इमेज के ऊपर डालना है, क्या डालना है, एज इन क्या टेक्स्ट डालना है, उसके बाद किस पोजीशन पे डालना है, उसके बाद फॉन्ट कौन सा यूज करोगे, यही वाला यूज करेंगे, इसको यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद स्केल क्या होगा, स्केल 1 कर दिया। और उसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट होता है, वो मुझे याद नहीं हो रहा है, बट आई गेस कलर होता है शायद, तो कलर हो जाएगा वाइट रख लेते हैं, 0, नहीं ब्लैक रख लेते हैं, 0.0.0। और उसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट होता है, इसका वैल्यू मेरे को याद है, उसका नाम नहीं पता। और लास्ट में आपको बस बताना है कि वो किस टाइप का लाइन आएगा, सो यू विल राइट लाइन अंडरस्कोर AA। इसके लिए, इस पूरी चीज के लिए आपको बस एक बार वो ओपन सीवी वाला वीडियो देखना पड़ेगा जहां पे मैंने टेक्स्ट पढ़ाया, और ये बस ड्रॉ लेवल अपना काम कर देगा, ये एक हेल्पर फंक्शन है बस, ठीक है। और इसको रन कर दिया, ठीक है। और अब बस हम क्या करेंगे, ड्रॉ लेवल में हमें ये चार चीजें भेजनी है, इमेज, टेक्स्ट क्या भेजना है, पोजीशन क्या होगा, और बीजी कलर क्या है, ठीक है।
सो चलो फिर कर लेते हैं एक बारी। ऊपर जा रहा हूं मैं, यहाँ पे आप डिटेक्ट कर रहे हो, और इसके बाद अब मुझे वाइब्रेट को प्रिंट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आई कॉल ड्रॉ लेबल, आई पास द इमेज, इमेज इज फ्रेम, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या पास करना है, क्या टेक्स्ट जाएगा। लेट्स से अभी टेक्स्ट में लिख देते हैं फेस मास्क डिटेक्शन, ठीक है। उसके बाद जाएगा किस पोजीशन पे जाएगा, तो पोजीशन दे देते हैं 10 by 10, मतलब लेफ्ट से 10 by 10 पे, और अभी सिर्फ ब्लू में दिखाई देगा, मतलब बैकग्राउंड कलर विल बी ब्लू, ठीक है। ये हमने कॉल किया, और आप देखो इसको रन करते हैं, और अभी बस स्क्रीन पे एक टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए, ये फेस मास्क डिटेक्शन। ओके, सो थोड़ा सा ये ऊपर आया है, क्यों आ रहा है ऊपर ये। इसको अगर हम पोजीशन को अगर हम करें 20 और 20, तो कहाँ आ रहा है कुछ एक बैकग्राउंड सही से लग नहीं रहा उसके ऊपर। चलो एक काम करते हैं, पहले पहले एक बार बना लेते हैं, कोड बना लेते हैं, ठीक है। सो कोड में कुछ नहीं करना आपको, ये फंक्शन को यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे इफ वाइब्रेट इज इक्वल टू 0, मतलब मास्क पहना हुआ है, तो आप जब ड्रॉ लेबल को कॉल करो, ड्रॉ लेबल को कॉल करोगे तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे मास्क, ठीक है। और यहाँ पे आप ग्रीन कलर पास कर दोगे, तो BGR होता है, तो यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे ये जी होता है 255 कर दो, ठीक है। और एल्स में क्या करो, फिर से इसको कॉल करो और यहाँ पे लिख दो नो मास्क, ठीक है, और इसको रेड दे दो। सो दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 255, ठीक है। और अब इसको रन करने से देखो बोल रहा है नो मास्क, और अब हम क्या कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। सो सी इट सेज मास्क, ठीक है। जितना मैंने नोटिस किया थोड़ा सा साइड एंगल पे कंफ्यूज होता, अभी वो भी नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। नहीं, बट इसको थोड़ा सा नीचे करने पे सी ये मेरा जब मैंने ऑगमेंटेशन यूज किया था तो जरा सा नाक के नीचे करने पे भी वो पकड़ ले रहा था कि मास्क नहीं है, विच वॉज अ गुड थिंग, बट अभी क्या हो रहा है कि जब तक यहां तक भी है तो मास्क ही पकड़ रहा है, ठीक है। तो यार इट्स प्रिटी एक्यूरेट एक्चुअली, मास्क और नो मास्क सही से डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो या बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, या ठीक है। और जस्ट एक ये बात रख के देखें, नो मास्क, इससे बन जा रहा बिल्कुल, क्योंकि व्हाइट कलर के सारे मास्क हैं, तो कुछ भी आप ढक कर रहे हो तो उसको मास्क ही लग रहा है। सो या ये तो प्रॉब्लम है उसका। सो या ये हो गया। अब एक काम करते हैं, जो इन लोगों ने किया है, इस ब्लॉग ने किया है, इन लोगों ने फेस डिटेक्शन भी किया है साथ में, मतलब उन लोगों ने ये किया है, आई विल शो यू, ये हम लोग भी करेंगे अभी। इसका एक जिफ है, हाँ सी, ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल क्या करता है, ये आपका फेस डिटेक्ट करता है। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, दिस इज नॉट क्लासिफिकेशन, दिस इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। सो ये आप कर सकते हो, लाइक ऑल दो इट्स नॉट नेसेसरी, यू कैन ऑलरेडी सी ये काम कर रहा है, हमारा मॉडल भी काम कर रहा है, बट आप क्या कर सकते हो, आप फेस को ट्रैक कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो कि आप फेस को ट्रैक करके, इससे भी कंफ्यूज हो रहा है, देखो इससे कंफ्यूज हो रहा है, इसको मास्क समझ रहा है, सी इसको मास्क समझ रहा है, ओके व्हाटएवर। सो या हम क्या करने वाले हैं, हम फेस डिटेक्ट करेंगे, एज इन यहाँ पे एक रेक्टेंगल आएगा, इस जगह पे एक रेक्टेंगल आएगा, और हम सिर्फ इतना ही फेस कट करके एल्गोरिदम को देंगे, मतलब हम एल्गोरिदम को ये पूरा, ये जो पूरा स्पेस आपको दिख रहा है ये नहीं देने वाले, सिर्फ इतना ही देंगे, लाइक इतना फोकस्ड रीजन देंगे, सो दैट पता नहीं और परफॉर्मेंस इंक्रीज करे, जैसे ये ब्लॉक के हिसाब से।
अदरवाइज और मेरे को कोई रीजन दिखाई नहीं दिया यहाँ पे फेस डिटेक्शन करने का, ठीक है। तो फेस डिटेक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ऑल्दो उसके थ्योरी में नहीं जा रहे हम लोग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर आता है सब कुछ, तो उसके पीछे का मैथ्स क्या है और कैसे चीजें काम करती है हम लोग तब पढ़ेंगे, आज बस उसको यूज कैसे करना है वो देख रहे हैं। आपको बस ये एक फाइल लगेगा, हार कैस्केड बोलते हैं इसको, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये फाइल है, ये मैंने डाउनलोड किया, दिस इज द फाइल हार कैस्केड फ्रंटल फेस, ये सामने का चेहरा डिटेक्ट करता है। तो ये हार कैस्केड बहुत सारे फाइल्स हैं लाइक अलग अलग फेस के एंगल्स के लिए, तो मैं ये दिस इज द फाइल, ठीक है, दिस इज द फाइल, दिस इज एन XML फाइल जो खूब सारे वैल्यूज के ऊपर ट्रेंड है, ये हम पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ हम इसको बस यूज करना सीखेंगे, ठीक है, यूज करना सीखेंगे कि फेस डिटेक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो पहले क्या करने वाला हूँ गाइज, मैं पहले मैं आपको फेस डिटेक्शन कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा, और फिर वो फेस डिटेक्शन वाले वर्कफ्लो को इस वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करूंगा, सो मतलब इस प्रोजेक्ट में आपको वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ सेपरेट स्मॉल फाइल, ठीक है। तो आई विल क्लोज दिस विंडो और यहां पर आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल एंड इसको रीनेम कर देते हैं फ्रंटल फेस डिटेक्शन, ठीक है, और यहां पे आपको सिर्फ लगेगा CV2 और इसके बाद आपको बस क्या करना है, आपको वो सेम कोड यूज करना है, मैं सेम कोड बार बार नहीं लिख रहा, इतना कोड आपको फिर से लिखना है, ये पूरा कोड कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, ये सब का जरूरत नहीं है फिलहाल, ये रिसाइज भी करने का जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, वीडियो कैप्चर करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड भी नहीं होता क्या यहाँ पे, जस्ट वन सेकेंड गाइस, एक बार मैं कोड पूरा सेटअप कर देता हूँ फिर हम लोग आराम से करते हैं। इम्पोर्ट CV2, हमारा नेक्स्ट गोल इज कि हम लोग फेस डिटेक्शन करने वाले हैं, फेस डिटेक्शन पिक्चर में फेस कहाँ पर है वो डिटेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैप इज इक्वल टू CV2.VideoCapture0, ठीक है, और ये कोड रन करते ही वीडियो दिखने लगना चाहिए, नहीं दिख रहा है, कुछ हुआ क्या गड़बड़, यहाँ पे चल रहा है क्या ऑलरेडी, नहीं चल तो नहीं रहा है, क्यों फटा कोड, इम्पोर्ट CV2 कैप कैप डॉट रीड ब्रेक सेट किया, अभी चलने लगा शायद, नहीं चल रहा, ओके क्या हो रहा है, इसी जगह पे वापस चलाते इस कोड को, एक्चुअली दो जगह पे शायद चल रहा है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इस फाइल को बंद करो क्या, नहीं बंद नहीं करना चाहता, सेम फाइल में ही करता हूँ, ठीक है एक काम कर रहा हूँ, इस फाइल को बंद कर रहा हूँ मैं और यहीं पे दोबारा से कोड लिख रहा हूँ, यहीं पे दोबारा से कोड लिखते हैं, यहाँ पे काम कर रहा है, या ये हो गया, सिर्फ वीडियो आ रहा है अभी। अब हम क्या करेंगे, हम हार कास्केड वो ऑब्जेक्ट डिटेक्टर क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल एक्चुअली, देखो करना क्या होता है, आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है उस हार कास्केड वाली फाइल को, तो आप लिखते हो लेट्स कॉल इट डिटेक्टर या लेट्स कॉल इट हार HAR, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, कंप्यूटर साइंटिस्ट का आई थिंक सो, मेरे को जितना याद है, और उसके बाद आप लिखोगे CV2.cascade क्लासीफायर, हाँ क्लासीफायर बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दोगे ये रहा, ठीक है, इसको आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक छोटा सा वर्कफ्लो है, ठीक है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, आपको बस क्या करना होता है कि जस्ट वन सेकेंड गाइस, आपको एक फंक्शन बनाना है डिटेक्ट अंडरस्कोर फेस बोल के, ठीक है, और इसको एक इमेज पास करो, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये हार डॉट इसमें एक ये होता है
फंक्शन होता है डिटेक्ट मल्टी स्केल, ठीक है, और डिटेक्ट मल्टी स्केल में आपको बस क्या पास करना होता है, अपना इमेज, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर इमेज में जहां भी फेस है, मतलब मैं आपको दिखाता हूं, अब ये इमेज कैप्चर हुआ, अब ये क्लासिफायर इज ऑलरेडी ट्रेन्ड टू डिटेक्ट फेसेस, और फेस डिटेक्ट करने का मतलब क्या है, वो चार पॉइंट्स डिटेक्ट करता है इस पूरे जगह पे जहां पे फेस है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, और वो पलट करके क्या बोले इसको, पलट करके वो चार नंबर्स देता है आपको, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं कोऑर्डिनेट्स प्रिंट करके, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स प्रिंट करके दिखाता हूं। सो इस फंक्शन का काम क्या है, अगर आप इसको एक इमेज दोगे तो ये पलट करके उसमें डिटेक्ट करेगा कि फेस कहां कहां पर है, और फिर आपको उसके अराउंड एक रेक्टेंगल बना के उसका कोऑर्डिनेट बना के देगा, ठीक है, ये इसका काम है। ऑल्दो नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहा है, अभी तक तो चल जाना चाहिए था, जस्ट वन सेकंड देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। नहीं चल रहा है सब कुछ, अभी चल गया। हाँ, सो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे आ रहा हूं, मेरे पास ये फ्रेम ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पे कॉल कर रहा हूं डिटेक्ट फेस को, और डिटेक्ट फेस में मैं पास कर रहा हूँ मेरे फ्रेम को, ठीक है। और एक चीज और, आपको ये सही से काम करे इसके लिए आपको ग्रे स्केल इमेज भेजना होता है, मतलब यू कैन नॉट सेंड कलर इमेजेस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो फ्रेम है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। सो यू वुड राइट फ्रेम डॉट, या आप लिखोगे cv2 डॉट सी कन्वर्ट कलर होता है, कन्वर्ट कलर, यहाँ पे आप भेजोगे किसको चेंज करना है और कैसे चेंज करना है, cv2 डॉट bgr 2 ग्रे, ये आपने पहले भी देख रखा है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने मेरे फ्रेम को लिया, उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और अब इसको रन कर रहे हैं, cv2 डॉट कलर होता है शायद, कलर अंडरस्कोर bgr 2 ग्रे, ठीक है। देखो ये देखो, फेस के अराउंड ये चार नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये चार नंबर्स क्या बता रहे हैं कि इस इमेज में किस पॉइंट पे वो लाइक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये हार कैस्केड क्लासिफायर क्या कर रहा है, ये चार नंबर्स दे रहा है, अब बस मुझे क्या करना है, इन चार नंबर्स के ऊपर एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है, ठीक है, बस इतना ही करना है मुझे। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लोज दिस एंड आई विल कम बैक, और यहां पे रादर देन प्रिंटिंग आउट मैं रिटर्न करूंगा कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, रिटर्न दीज कोऑर्डिनेट्स, और फिर हम क्या करेंगे, यहां पे उसको रिसीव करेंगे लाइक दिस, और फिर हम क्या करेंगे, हम चलाएंगे एक लूप फॉर एक्स कॉमा वाई कॉमा विड्थ कॉमा हाइट इन कॉर्ड्स, आई विल रन cv2 डॉट रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में मैं पास करूंगा कौन से इमेज पे डिस्प्ले करना है, फ्रेम के ऊपर इनिशियल पोजीशन क्या है, तो वहां पे आ जाएगा एक टपल के अंदर एक्स कॉमा वाई, और डायगनली अपोजिट कहां तक जाएगा रेक्टेंगल, तो एक्स प्लस विड्थ तक जाएगा और वाई प्लस हाइट तक जाएगा, और क्या क्या होता है रेक्टेंगल में, ऊपर हमने बनाया था बीजी कलर क्या होगा और cv2 डॉट फिल्ड होगा, सो बीजी कलर होगा ब्लू रख लेते हैं 255, क्योंकि रेड और ग्रीन हम लोग यूज कर रहे हैं, 0.0, और यहाँ पे आ जाएगा cv2 डॉट फिल्ड,
या सो दिस इज द कोड, बस मुझे एक्स वाई ये चारों कोऑर्डिनेट्स मिले, मैंने उसके ऊपर रेक्टेंगल बना दिया, रन करते हैं इसको. नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, क्यों फटा ये कोड? सर शायद फंक्शन में चेंज करके फिर रन नहीं किया. ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही बोल रहा हूँ, रिटर्न मारा ही नहीं. सो या अब रन करने पे आ जाएगा. ओह फील्ड में तो वो हो जाएगा, क्या करना होता है फील्ड के अलावा क्या ऑप्शन होता है? ट्रांसपेरेंट हटा ही देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है. क्या होता है ऑप्शंस, क्या क्या होते हैं यार, फील्ड होता है और क्या होता है? जस्ट वन सेकेंड, टैब मार के देखिए. CV2 टैब मार के बहुत सारा चीज आ जाएगा. ट्रांसपेरेंट होता है क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा है. CV2 रेक्टेंगल देख लेते एक बार. ये रहा, इतने सारे पैरामीटर्स है कि याद नहीं होता. थिकनेस 1 दे देते हैं, हाँ थिकनेस होता है, फिल्ड करने पे पूरा फिल हो जाता है और यहाँ पे 1 दे देते हैं थिकनेस के लिए. या ये देखो गाइस वो डिटेक्ट कर रहा है, कभी कभी नहीं भी कर पा रहा है, बट या मोस्टली इट्स एबल, क्योंकि मेरे लाइटिंग कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब पीछे से लाइट आ रहा है इसकी वजह से शायद. इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक कर देते हैं. या दिस इज नाइस, ठीक है. सो या अगर आप मूव करोगे तो भी वो डिटेक्ट करता रहता है, ठीक है, लाइक दिस. ओके सो या अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस वर्कफ्लो को उठा करके हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. सो हम क्या करेंगे कि ये जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, इसको हम लोग कट करेंगे, लाइक क्रॉप करेंगे, पूरे इमेज में से इतने पोर्शन को हम लोग क्रॉप करेंगे. और क्रॉप करके ये जो नया इमेज बनेगा, इस नए इमेज को हम लोग उसमें भेजेंगे हमारे मॉडल के पास टू डिटेक्ट कि मास्क है या नहीं है, ठीक है. आप ये कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो. इन दैट केस आप बस सीधे सीधे ये फंक्शन को कॉल कर दो, बस इतना करना है आपको, ठीक है. तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ कैन यू क्रॉप दिस इमेज और देखते हैं उससे और बेटर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है. तो या क्या करोगे, क्रॉप करके ट्रेन भी करना पड़ेगा ना? वही मेरे को एक्चुअली मेरे को कुछ खास पॉइंट समझ में नहीं आया. मेरे को लगा ये लोग बस फेस डिटेक्शन के लिए यूज कर रहा है, अब वो लोग बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है, आई एम नॉट श्योर, पता नहीं क्यों. तो ठीक है, काम करते हैं, लेट्स नॉट डू इट. एक काम करते हैं, बस सीधे सीधे इस कोड को उठाते हैं, कॉपी, इसको मैं बंद कर रहा हूँ. इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं और ऊपर वाले में यहाँ पर कहाँ गया, इस जगह पर पेस्ट कर देते हैं. यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इससे क्या होगा कि पूरा वर्कफ्लो चलेगा और साइड में ये भी चलेगा, मतलब ऐसा आएगा कुछ, नो मास्क, ठीक है. और जैसे हम इसको लगाएंगे मास्क, ठीक है. तो या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, लाइक फेस डिटेक्शन हो रहा है और मास्क डिटेक्शन भी हो रहा है. मास्क जरा भी है तो पहन के नहीं मान रहा है. कॉर्नर में कहीं और फेस के साइड में कहीं में मास्क रखे, यहाँ पे पकड़ ले रहा है, यहाँ पे तो फॉर श्योर पकड़ ले रहा है. सुबह जब मैंने ऑग्यूमेंटेशन यूज किया था ना, तो ऑग्यूमेंटेशन में क्या हुआ था, ऑग्यूमेंटेशन की वजह से क्या हुआ था कि हल्का सा भी यहाँ से नीचे करने पे नो मास्क बोल रहा था, तो मे बी वो ऑग्यूमेंटेशन की वजह से ऐसा हुआ. तो ठीक है, आप लोग ऑग्यूमेंटेशन के साथ भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है. ऑग्यूमेंटेशन फॉर श्योर परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा थोड़ा सा, क्योंकि और अलग अलग तरीके के फोटोज देख रहे हो, तो दैट इज नाइस, ठीक है. तो या मतलब दिस इज द प्रोजेक्ट, यही कराना था. बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट नहीं है,
ज्यादा अच्छा होगा अगर आप इसको एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर पाओ, मतलब वेबसाइट या मोबाइल ऐप में कन्वर्ट कर पाओ, तो इट वुड बी अ किकास प्रोजेक्ट। अदरवाइज अभी भी ठीक है, मतलब लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा अपनी मशीन में और फिर ये प्रोजेक्ट चलेगा, दैट्स द प्रॉब्लम। बट या एक बार आप खुद से इसको ट्राई करो, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट और अभी के टाइम में बहुत रेलिवेंट है। तो किसी इंटरव्यू में भी जब आप बैठोगे और आप बोलोगे कि मैंने ऐसा कुछ बनाया, तो दे विल बी लाइक इंटरेस्टेड, क्योंकि आज की दुनिया के हिसाब से बहुत रेलिवेंट चीज है ये। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आप लोग करना घर पे। एक और मैंने डेटा सेट डाउनलोड किया था, मैं आपको वो भेज दूंगा, वो था इमोशन डिटेक्शन का। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने मॉडल रन भी किया, ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया नहीं, मैंने बनाया। इमोशन 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 डिटेक्टर, उसमें भी डेटा था। इसमें डेटा कैसा था, इसमें डेटा थोड़ा और अलग टाइप का था। अलग टाइप का था मतलब ज्यादा डेटा था। आई शो यू इमोशन कहाँ गया, ये रहा मेरा ट्रेन वाला डेटा। सो यहाँ पे ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, एंग्री एंग्री फियर हैप्पी न्यूट्रल सैड सरप्राइज, और सभी के अंदर इमेजेस हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे इमेजेस हैं 48x48 साइज के। ठीक है, और ग्रे स्केल इमेजेस हैं। ठीक है, ये है अलग अलग, मतलब फॉर एवरी इमोशन देर आर इमेजेस। ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप एक क्लासिफायर बना सकते हो। मैंने बनाने का ट्राई किया था, बट अनलाइक मास्क वाला प्रोजेक्ट इसका एक्यूरेसी बहुत कम आ रहा था। ये मैंने डेटा ऑगमेंटेशन वगैरह यूज किया, उसके बाद मैंने वीजीजी यूज किया, और उसके बाद वही सब कुछ किया। लास्ट में मॉडल को ट्रेन करने के बाद, 25 epoch के बाद भी ट्रेन करने के बाद, द एक्यूरेसी दैट आई वॉज गेटिंग वॉज लाइक बहुत ही खराब। बीच में थोड़ा बढ़ा था फिर घट गया, और मतलब 50 के ऊपर नहीं जा रहा था एक्यूरेसी। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, इसमें एक्यूरेसी उतना नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा ट्राई करके देखो, इसका एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ाने का ट्राई करो। और ये अगर बन जाएगा तो क्या होगा कि आप लाइक कैमरा पे अगर आप हंसोगे या गुस्सा करोगे तो अकॉर्डिंगली वहां पे चेंज होगा कि आपका भी इमोशन कैसा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ, और मेरा प्लान है कि जब हम रेजनेट पढ़ेंगे तो हम ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे, इमोशन डिटेक्टर। और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, एज और जेंडर डिटेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा कैमरा फोन्स में रहता है कि एज कितना है, मेल है या फीमेल है, वो डिटेक्ट करता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स करेंगे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं सीएनएन यूज करके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे मूव करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा अलग है और थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। तो या आज इतना ही करते हैं। सो कोई डाउट है तो पूछो, कोई तो आया नहीं क्लास में ज्यादा लोग, 3 लोग ही हो बस। सो टेल मी कोई डाउट है तो। ठीक है, आई गेस कोई डाउट नहीं है। ठीक है गाइस, फिर जाओ, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ और शेयर कर देता हूँ। आप लोग एक बार खुद से कर लो ये वाला चीज, और गिटहब पे अपलोड कर दो ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपको थोड़ा सा बूस्ट देगा आपके पोर्टफोलियो को। ठीक है, सो या चलो फिर बाय। सर, इसका डेटा कहाँ से लिए थे आप? इसका डेटा बताए तो ये ब्लॉग में मिल जाएगा, ये मैं ब्लॉग शेयर कर दे रहा हूँ। इसमें डाउनलोड सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे में डाउनलोड सेक्शन है, वहाँ पे सारी फाइल्स, इनकी फाइल्स और इनका डेटा है। तो इनका फाइल, इनका कोडिंग मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था लाइक कंज्यूम करने के हिसाब से, तो मैंने फिर अपने हिसाब से चेंजेस किए कोड में। ठीक है, तो आप दोनों चेंजेस देख सकते हो, मैं अपना दोनों फाइल भी डाल दूंगा, विद डेटा ऑगमेंटेशन और विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन। विदाउट डेटा ऑगमेंटेशन हमने अभी किया, और डेटा ऑगमेंटेशन वाला मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो या ट्राई करो एक बार। ठीक, ठीक है गाइस, फिर चलो बाय, गुड नाइट। गुड।